चंडीगढ़ के लिए गोल्ड मेडल आए हैं, जिसके चलते अंजलि ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। अंजलि ठाकुर से बात करेंगे। मैम, गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, देश के लिए मेडल लेके आए हैं तो एक प्राउड मोमेंट है और काफ़ी अच्छी फीलिंग है कि हमने भी देश के लिए कुछ अपना योगदान दिया है देश के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद होते हैं, कैसा लगा, कैसे गेम का एक्सपीरियंस रहा सारा अगर देखा जाए तो? कुछ खिलाड़ी हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि आगे हम अपनी गेम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और कुछ गेम्स में हम भी जीतते हैं जिसमें हमारा गेम सही रहता है, तो उसको देख के भी खुशी रहती है। अगर आपकी बात करी जाए, हालांकि फिजिकली चैलेंज जरूर हुआ, आप तो लगता नहीं कि इतना कुछ होने के बावजूद आप इतना अच्छा गोल्ड मेडल लेके आए, वो प्राउड मोमेंट जो है वो आपके ऊपर आई है, तो सोचा कैसे कि आपको कि हमने गेम्स की तरफ जाना है? मैं बाय बर्थ व्हीलचेयर पे नहीं हूँ, मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था 2018 में, जिसकी वजह से मैं व्हीलचेयर पे आई थी। तो मैं थेरेपी लेने और रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब आई थी। तो ये यहाँ पे थेरेपी के दौरान ही मेरे को मेरे सीनियर प्लेयर हैं अजयरा सर, उन्होंने गेम्स इंट्रोड्यूस कराया था, तो उनको देख के मोटिवेशन मिला था कि आप भी गेम कंटिन्यू करो, तो उनको देख के मैंने भी गेम स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे नेशनल्स में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर है, और 3 मैंने इंटरनेशनल इवेंट खेले हैं, जिसमें अभी ये कायरो इजिप्ट वाला इवेंट था, इसमें मेरा गोल्ड है। तो अगर लगातार जैसे आप गेम खेल रहे हैं, फिलहाल गोल्ड जो लेकर आए हैं, तो लगता है आगे भी जाना चाहिए कि और गोल्ड जो है देश के लिए और चंडीगढ़ के लिए आते रहें? हाँ जी, तैयारी पूरी है, आपके इंटरनेशनल इवेंट्स आते हैं हर साल, तो उनमें भी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा एशियन पैरा गेम्स है 2026 में, उसमें भारत के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश है। और पैरालंपिक्स है 2028 में, मेन सपना वही है कि वहाँ से देश के लिए मेडल लाएँ। अगर तैयारियों की बात की तो तैयारी में कैसे होती है, क्योंकि जो देखने की चाहते हैं कि वर्ल्ड के लेवल के जो खिलाड़ी हैं वहाँ पर आते हैं, उनके हिसाब से हमें खेलना पड़ता है, तो तैयारी कैसे रहती है इसकी? सर, जो पैरा एथलीट्स हैं वो जो नॉर्मल एथलीट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी अलग रहती हैं, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स होते हैं, तो हम भी उसको देख के ही मेहनत करते हैं, मतलब सारा साल हम लोग मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हमारा जैसे भी रहता है, तो हम लोग पूरी मेहनत करते हैं अपनी तरफ से और अपना बेस्ट देते हैं। अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए या पैरालंपिक खिलाड़ियों की बात की जाए, तो डाइट में भी कुछ फ़र्क होता है कि डाइट में भी सेम ही रहता है जो? सर, ये आपका हर प्लेयर की डिसेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कौन किसकी क्या डिसेबिलिटी है, तो डाइट भी उसी हिसाब से बनता है, तो ये सबके डिफरेंट ही रहता है वैसे। अगर आपकी बात की जाए तो आप यहीं पे चंडीगढ़ स्पाइन क्लब में रह रहे हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ के लिए जो है खिलाड़ियों को मान और जो है आप ऊपर उठता हुआ नज़र आया है, क्योंकि आप जब गोल्ड लेकर आए हैं, तो कैसा उत्साह था लोगों के अंदर जब आपके यहाँ पे और जो आपके नीचे प्लेयर खेलते होंगे उनमें कैसा जो है उत्साह देखने को मिला था? काफ़ी पॉजिटिविटी है, सब तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आती है, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग सब में इंस्पिरेशन का रहता है कि सब इंस्पायर्ड होते हैं, तो सब की तरफ से एक पॉजिटिविटी मिली है अभी तक। अगर आगे खेलना है, जैसे आगे ओलंपिक के गेम्स जो है वो आती हुई नज़र आ रही है, हालाँकि अभी हो भी रही हैं ओलंपिक गेम्स, तो सोचा नहीं था कि ओलंपिक में भी जाना चाहिए था? अभी जाना था, पर मेरा वर्ल्ड रैंकिंग अभी उस हिसाब से नहीं था, मुझे कमी टाइम अभी खेलते हुए हुआ है, मैंने लास्ट ईयर ही गेम स्टार्ट किया है, तो पर नेक्स्ट पैरालंपिक्स की पूरी तैयारी है। अगर लास्ट ईयर की बात की जाए, लास्ट ईयर से आपने स्टार्ट किया और एक ईयर में आपने इतना अच्छा मुकाम जो है अपने देश के लिए हासिल कर लिया है, तो लगता नहीं कि अगर आप और मेहनत करते तो आप इस बार भी जा सकते थे? वो रहता है कि एक आपकी जो पैरालंपिक्स की रिक्वायरमेंट्स है, एक अच्छा कोर्ट, एक अच्छा इक्विपमेंट, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कोर्ट की प्रॉब्लम थी, तो हमारे लिए यहाँ पे कहीं पे भी चंडीगढ़ में या फिर स्टेट में या कहीं पे भी कंट्री में एक अच्छा कोर्ट नहीं है। अगर अच्छी प्रैक्टिस मिलती है, अगर आप प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छी प्रैक्टिस हो सके, उसके बेस पे ही वो कहीं पे भी कम्पीट कर सकता है, तो अगर वैसा रहता है तो फिर हम लोग भी वर्ल्ड लेवल पर अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा पैरालंपिक्स के लिए इस बार नहीं हो पाया, नेक्स्ट पे पूरी तैयारी। अगर चंडीगढ़ के प्रशासन की बात की जाए, चंडीगढ़ प्रशासन को एक मैसेज देना चाहेंगे कि अच्छा कोर्ट जो है खिलाड़ियों के लिए बनाया जाए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अच्छी प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, एक क्वालिटी प्रैक्टिस आप करोगे, तभी आप देश के लिए मेडल ला सकते हो, वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट कर सकते हो, तो
चंडीगढ़ गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए अच्छा एक कोर्ट प्रोवाइड करें या फिर अच्छे इक्विपमेंट्स और अच्छी एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह जो प्लेयर्स के लिए रहती है तो वो सब हमें दें तो हम देश के लिए ज़रूर मेडल्स और भी मेडल्स फ्यूचर में ला सकते हैं। तो ये थी अंजलि ठाकुर जो चंडीगढ़ और देश के लिए मेडल जीत के लाई हैं और एक साल की मेहनत कड़ी मेहनत के बाद जो है गोल्ड मेडल आज आता हुआ नज़र आया है। थाईलैंड पैरा ओपन के बीच में विद्या कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि मेडल जो है वो देश के लिए जीत कर लाई हैं। विद्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात की जाए मेडल की तो आप कौन सी गेम में माहिर हैं पहले तो? सर मैं पैरा टेबल टेनिस खेलती हूँ और मैंने अभी अभी हमारा थाईलैंड पैरा ओपन टूर्नामेंट हुआ था जो फैक्टर 40 इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की तरफ से, तो वो मैं खेल के आई और मैंने इसमें मिक्स डबल्स में सिल्वर मेडल लेके आई। सिल्वर मेडल जीता है। कितनी देर से अगर बात की जाए तो आप ये गेम खेलते हुए नज़र आ रहे थे? सर मैं 2020 से ही नेशनल स्टार्ट किया है। ऐसे उससे पहले मैंने ओपन टूर्नामेंट खेला था 2019 में जो चंडीगढ़ में ओपन टूर्नामेंट हुए थे, उसके बाद मैंने 2020 से स्टार्ट किया नेशनल। पहली बार 2020 में खेला, उसमें मेरा फोर्थ स्थान रहा। उसके बाद 21 में मेरा फिर से ऑपरेशन हुआ क्योंकि मेरे बैक में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस बार मेरा मिस हो गया मैच। फिर मैंने 2022 से कंटिन्यूस खेल रही हूँ। तो मैंने अभी तक नेशनल खेले कम से कम 7 से 8 नेशनल और उसके बाद सब में मेरा सिल्वर मेडल रहा। अभी खेलो इंडिया भी हुआ था पिछले साल दिसंबर में, तो उसमें भी मैंने मेरा सिल्वर मेडल रहा और इंडिया की नंबर 2 रैंक में आती हूँ मैं। और मैंने अभी इंटरनेशनल खेला है सऊदी अरब जो कि पिछले साल अगस्त में खेली थी, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा इंडिविजुअल में। और अभी मैंने थाईलैंड में खेला मैच जहाँ मेरा मिक्स डबल्स में सिल्वर मेडल रहा। अगर सिल्वर मेडल की बात करें तो लगातार सिल्वर मेडल की आप लाइन लगाते हुए नज़र आ रहे हो ना, एक सिर्फ बॉन्स जब कह रहे हो आपका मेडल जो हमने जीता है तो लगता नहीं कि इतनी मेहनत भी करने के बावजूद गोल्ड भी आना चाहिए था? यस सर, इसके लिए हार्डवर्क बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है। जैसे मैंने इस बार इंडिविजुअल मैच खेला जो कोरिया की प्लेयर थी वर्ल्ड नंबर 1 उसके साथ हमारा मैच हुआ, उसके साथ मैच खेलने से हमें लगा कि हमें इतनी मेहनत से नहीं और ज़्यादा हार्डवर्क करनी होगी फिर हम उसे कम्पीट कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के जो लोग होते हैं वहाँ पर, जो खिलाड़ी होते हैं वहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो कह लें प्रैक्टिस कह लें वो कहीं ना कहीं कम होती है उनके हिसाब से? यस सर, उनके हिसाब से कम है क्योंकि और प्लेयर का नहीं पता, हमें पोलियो भी होते हैं, हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था, हमें बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती, उस सबको देखते हुए हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हम कंटिन्यूसली 4 से 5 घंटे नहीं प्रैक्टिस कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है न्यूरोपैथिक, तो बैठना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी उन सबको हटा ध्यान से हटा के और हमें मेहनत करनी है अच्छे से हार्ड वर्क, तभी हम आगे उन्हें कम्पीट कर सकते हैं और हमें करना है। तो अगर पढ़ाई की बात की जाए, कितनी पढ़ाई आपने की? प्लस टू किया है सर। जी सर, प्लस टू। तो जो ये आप डिसेबल हुए हैं, पीठ की स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो वो पहले से ही थी या एक्सीडेंट वगैरह हुआ? एक्सीडेंट हुआ था सर 2007 में, 17 साल पहले। मैं प्लस टू की थी, उसके बाद ही मैं मतलब तो किसी काम से मैं साइकिल चलाते हुए जा रही थी, ब्रिज पे आगे स्ट्रक आ रही, वहाँ पे आके मेरा बैलेंस भी गिर गया और मैं ब्रिज से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। तो मैं अपने गांव यानी कि बिहार में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है वहाँ रहती हूँ, तो वही गांव में ही ऐसे हुआ मुझे। फिर वहाँ से मुझे पापा मुझे लेके गए, मम्मी पापा जहाँ तक उनका सामर्थ्य था ट्रीटमेंट वगैरह कराया, लेकिन उसके बाद मैं 11 साल बेड में ही रही। 11 साल बेड में रहते रहते मुझे बेड सोर हो गया था, 3-3 बेड सोर जो कि बहुत ही खतरनाक होता है हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन के लिए, तो धीरे धीरे हड्डी में पकड़ लेती है, हड्डियाँ टूट टूट के बाहर आती है, मसल्स कट कट के, तो वो ज़्यादा सीवियर हो गया था। लेकिन मैंने मम्मी पापा के पास ना इलाज के लिए पैसे नहीं थे जो, क्योंकि मैं 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो मैं ही प्लस टू में थी, तो आप समझ सकते हैं मेरे 5 भाई बहन कितने छोटे छोटे होंगे। पापा अकेले खिलौने का दुकान करते थे, तो बहुत मुश्किल में मेरा फैमिली चल रहा था। तो उस टाइम और गांव के लोग भी ऐसे बोलते थे कि अरे ये तो बेटी है, ये तो बोझ बन के रहेगी लाइफ टाइम, इसको जहर दे के मार देता तो माँ बाप का बोझ भी कम होता, कब तक इसकी सेवा करते रहेगा। तो बहुत सारा कुछ सुन के वो डिप्रेशन हो जाती कि शायद अब ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाए, इससे अच्छा भगवान तो अच्छा है। लेकिन कहते हैं किस्मत में कुछ और लिखा हो, भगवान ने कुछ और लिख के रखा हो। तो उन्होंने चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब के बारे में पता चला मुझे फ़ोन के माध्यम से, और फिर मुझे यहाँ आके मेरा बेड सोर की सर्जरी हुई सबसे पहले, जो यहाँ किसी यानी कि पवन कवर हुआ। हाँ सर, यहाँ आके एक नई ज़िंदगी मिली, नई दिशा मिली हमारी लाइफ को,
क्योंकि जहाँ ख़त्म हो चुकी थी, हमने हार मान चुकी थी कि अब कुछ नहीं होगा, अब शायद मौत का इंतज़ार कर रही हूँ। तो यहाँ आके एक टर्निंग पॉइंट, एक नई दिशा, नया जीवन मिला कि सबसे पहले मेरे बेडसोर की सर्जरी करवाया मैम ने, जो यहाँ की CEO है निकी पवन कौर, वो एक माँ की तरह यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं उन सबको एक अपने बच्चे की तरह प्यार और सपोर्ट करते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसके ऑपरेशन के बाद मुझे रिहैब कराया गया, फिर मैंने स्विगी डिलीवरी ज्वाइन किया। मैं इंडिया की फर्स्ट डिलीवरी गर्ल ऑन व्हील्स हूँ, तो खुद डिलीवरी करती हूँ व्हीलचेयर पे, और साथ के साथ मैं टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया। जो यहाँ के थेरेपिस्ट हैं, सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि आप टेबल टेनिस ट्राई करो। तो जो थेरेपिस्ट है, सबसे पहले मेरे प्रेम सर हैं जो मुझे रैकेट पकड़ना सिखाए, उनको थैंक यू सो मच। और उसके बाद वही मैंने पूछा था कि जैसे आप अपनी इंजरी से निकले, तो एक होता है गुरु, सबसे पहला गुरु कौन? यस सर, सबसे पहला टेबल टेनिस सिखाने वाले मेरे गुरु हैं प्रेमजीत सर, जो हमारे थेरेपिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हमारी जेंडर स्पाइन रिहैब में। उन्होंने सबसे पहले मुझे रैकेट पकड़ना सिखाया, तो उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। मेडल जीतते हो तो कितनी खुशी होती हो? यस सर, उनको भी बहुत खुशी होती है कि हाँ हमने कुछ किया है। उसके बाद आगे हमने अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो सेक्टर 50 जाते हैं जहाँ पे मनीष सर हैं, वहाँ पे हम सीख प्रैक्टिस करने जाते हैं बच्चों के साथ। और रिहैब की तरफ से मैम हमें प्राइवेट कोचिंग कराती है, जो हमारे कोच हैं पुलकित अरोरा, वो हमें कोचिंग देते हैं। तो उनको भी थैंक यू सो मच कि उन सबके सपोर्ट के बिना ही साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इतना कुछ हो गया है ना, सब लाइफ ही, उसके बाद आप लाइफ से उभरे, ऊपर आए, अपना लाइफ दोबारा गोल सेट किया, गोल सेट करके उसको अचीव भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है अब आगे आने वाली अब शुरू से आप गेम्स खेलते हुए नज़र आ रहे हो, आने वाली जो गेम्स हैं उनमें जो है पार्टिसिपेट किया जाएगा और गोल्ड का तलाश जो है वो पूरी की जाएगी? यस सर, बिल्कुल। हमें बस कहते हैं ना, मेहनत की कमी है, थोड़ा और मेहनत करना है, हमें हार्डवर्क करनी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम अच्छा करेंगे और देश के नाम रोशन करेंगे। आगे आने वाले एशियन, जो हमारा ड्रीम है कि हम एशियन में गोल्ड मेडल लेके आएँ इंडिया के लिए, और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके आएँ। क्योंकि जब हम सर दूसरे देश जाके अपने देश का तिरंगा लहराते हैं, उस समय जो गर्व फील होता है, अपने देश की खुशी होती है, वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। कि बहुत ही अच्छा लगता है कि हम भी देश का नागरिक होने का सच्चा फ़र्ज हम निभा रहे हैं। क्योंकि हर इंसान को एक दिन जाना है इस दुनिया से, कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। तो हमें अगर आदर्श शरीर हमारा काम नहीं कर रहा, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम, हर की लाइफ में कुछ ना कुछ संघर्ष होते, हमारी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा है, कोई बात नहीं, उसको साइड रखते हुए हम अपनी हिम्मत से अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। और जब हमारे चंडीगढ़ में रिहैब इतना सपोर्ट कर रहा है, तो हम जरूर कुछ और अच्छा करेंगे और देश के लिए हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे। तो ये थे विद्या कुमारी, जो लगातार जो है सिल्वर मेडल जीती हुई नज़र आ रही हैं, और अब आशा करती हैं कि गोल्ड मेडल जो है आने वाले गेम्स में लेकर ज़रूर आएँ। हालांकि अगर ऐसे प्लेयर जो पैरालंपिक खेलते हैं, अगर वो गोल्ड ला सकते हैं, तो ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी जो अभी देश में ओलंपिक चल रहा है, अगर उसमें गोल्ड लाएँ तो काफ़ी गर्व की बात जो है इंडिया के लिए होती हुई नज़र आएगी। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट शतांशु शर्मा के साथ संदीप सिंह, अजीत, वेब टीवी। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सब्सक्राइब करो अजीत वेब टीवी, अते ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो।